देखो अलाव फिल ऑफ हुई सी लगा हुई सही लाल लाल। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह के बज रहे हैं 9 और गाइस आज भी लगातार बारिश हो रही है। अब कहीं जा करके हल्की हल्की धूप निकली है आसमान में और सत्यम तो गया पढ़ने और सोहम देखो कहाँ जा रहा है। देखो गाइस ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है और जीने पे काफ़ी ज़्यादा काई आ चुकी है। बन जाए लग जाएगी उतर जा। सत्यम तो गया है स्कूल अब सोहम के साथ करते हैं मस्ती। हाँ ते अपने बाबा का चश्मा ले लिया और चश्मा नहीं छोड़ रहा गाइस। देखो चश्मा नहीं छोड़ रहा बाबा जी का, बाबा जी का चश्मा नहीं छोड़ रहा। सीन यहाँ पर हो चुका है, लाइट हमारी यहाँ पर घर पे नहीं आ रही है क्योंकि सामर तो बन के रेडी हो गई है। गोपाल बोल रहा था सामर इटली सामर बनाएंगे। सामर बन गई, इसमें सामर है दिखाना। तो सामर ये रही हमारी सामर, इसको चेक करके देखते हैं कैसी है। ये रही हमारी सामर गर्मा गर्म देखते हैं और उसके बाद खाते हैं। सोहम मस्त तरीके से खेल रहा है। अभी मैं सत्यम के पास गया था और सत्यम बस तरीके से स्कूल में बैठा था गाइस, आराम से पढ़ रहा था, कोई टेंशन नहीं। इसलिए रात भर बारिश हुई है, रात भर और सुबह भी हुई। अब थोड़ी जाके यहाँ पर बंद हुई है, मौसम थोड़ा हल्का फुल्का साफ भी हो गया है। रामनवमी के त्यौहार के लिए यहाँ पर जो है कंडे पर हमने बजरियाँ को बह दिया है जिसके अंदर गेहूँ बोए जाते हैं। ये जो बड़े हो जाएंगे कुछ दिन के बाद फिर इनको रक्षाबंधन के त्यौहार पर छोड़ दिया। उसके बाद क्या करते हैं भाई, मैंने ऐसे काम कैसे कर लिया मालूम है? आप लोग क्या देख रहे होंगे मैं बता दूँ, ये जो है ना मैंने इस कान के अंदर तेल डलवाया हुआ है क्योंकि मेरे कान में काफ़ी दर्द हो रहा था। और गाइस अब जो पीसते हैं अपने जो इडली बनाने वाली यानी चावल और उसके साथ उड़द की दाल उनको पीसते हैं क्योंकि बिजली आ चुकी है। इन्वर्टर तो गाइस हमारा डाउन था काफ़ी ज़्यादा, चलते हैं और काम शुरू करते हैं। तो देखो गाइस कितना सारा तेल मेरे हाथ पर आ चुका है। गाइस हमारा जो है बैटर यहाँ पर पीस चुका है यानी कि उड़द की दाल हमने पीस ली है, चावल है वो भी यहाँ पर पीस लिए। तो गाइस ये देख सकते हैं उड़द की दाल और इसके अंदर यहाँ पर जो है दोना ही उड़द और चावल हमने दोनों मिक्स करके पीस लिए हैं। अब यहाँ पर बनाने वाले सीधे प्रक्रिया गैस पर रखेंगे अभी कुकर और उसमें बनाएंगे। आप गाइस हमारा कुकर भी यहाँ पर आ चुका है और ये जो है ये सांचे हैं, इसके अंदर जो है इस बैटर को बनाएंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इडली जब भी अगर आप बनाएं घर पे तो ये इनो है ना, इनो डालना है। यहाँ पर सोडा वगैरह, सोम भी हमारा आ चुका है देखने के लिए तो इसमें इनो को हम डाल देते हैं मस्त तरीके से। तो इनो जो पटाएगा इससे जो बैटर काफ़ी अच्छा और इडली भी एकदम सॉफ्ट क्रेजी बनेगी जिससे खाने में बहुत अच्छी लगेगी। सोम इडली खाएगा तो गाइस यहाँ पर जो है सांचे यहाँ पर रेडी हो चुके हैं और सांचे के अंदर जो है यहाँ पर जो कड़ुआ तेल है उसको लगाया जा रहा है जिससे कि इडली हमारी नीचे चिपके नहीं, आसानी से ये छूट जाए। और यहाँ पर जो हमने इनो डाल के सॉफ्ट हो गया एकदम मस्त तरीके से और जो इसका चिल्ला था इनो वाला वो सुबह मस्त तरीके से खा रहा है। चलो तो गाइस यहाँ पर जो नीतू जी इडली को भर रही हैं यानी इडली का जो पेस्ट है ये इसमें सांचे भरा जा रहा है जिससे कि ऊपर तक आराम से भर जाएगा तो इडली अच्छी तरीके से फूल जाएंगी और एकदम सॉफ्ट लिख देंगी। तो गाइस तीन जो सांचे हमने लगा दिए और सुगम काम नहीं करने दे रहा, सुगम बेर बेर उस पर हाथ मार देता है। सत्यम होता तो और ज़्यादा उसम करता। सुगम आग मेरे पास आ गया, सुगम अभी इडली खा। तो गाइस जो हमने इडली का पेस्ट था यहाँ पर सब कुछ भर लिया है सांचे के अंदर, अब एक सांचा रह गया लास्ट वाला और यहाँ पर जो है 6 सांचे इसके और इसके अंदर हमने पानी को रख दिया उबालने के लिए। थोड़ा पानी हल्का हल्का गर्म हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे इन सांचों को हम उसमें रख देंगे और ऊपर से कुकर को बंद कर देंगे। 10 से 15 मिनट तक इसका वेट करेंगे तब तक ये आसानी से पक जाएंगी। तो गाइस कुकर के अंदर हमने जो है अपने सारे जो इडली वाले सांचे थे इसमें हमने रख दिए हैं और पानी या तो गैस का फ्लेम हमने काफ़ी तेज़ कर दिया जिससे 10 मिनट तक का वेट कर दें। उसके बाद देखते हैं कैसी यहाँ पर इडली हमारी। पर नीतू जी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं इडली खाने के लिए और यहाँ पर जो है इडली थोड़ी देर में निकलने वाली है। हंस रही हैं नीतू जी क्योंकि नीतू जी खाएंगे मैं भी खाऊंगा। सत्यम सत्यम तो गाइस स्कूल गया अभी थोड़ी बहुत देर में आ रहा होगा, उसका लंच होने वाला है और गोपाल ने बोला था कल उसका काम। यहाँ पर देख सकते हैं इडली गाइस हमारी यहाँ पर फूल चुकी है बहुत ही मस्त तरीके से। अब इनको बाहर निकालेंगे पर चेक करके देखो बैफे देखो ऊपर से अभी थोड़ा थोड़ा कच्ची तो नहीं है, हल्की सी बहुत ज़्यादा। तो गाइस हमारी इडली यहाँ पर बहुत ही क्रेजी सॉफ्ट निकल के आ चुकी है, देखो बहुत ही मुलायम है। देखो गाइस अभी थोड़ा गर्म है, इसको निकालते जल्दी से। तो गाइस हमने एक सांचे से यहाँ पर एक सांचे के अंदर 4 इडली निकलती हैं और बाकी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 सांचे तो यहाँ पर निकालते हैं। निकाल लिया है गाइस और ये मेरी थाली में रखी है गाइस, मैं कितनी सॉफ्ट और कितनी अच्छी बनी देखो गाइस, एकदम टूट के बहुत अच्छी बनी गाइस, खाने में बहुत टेस्ट लग रही है। खाएं अच्छी बनी है बहुत अच्छी।
बने हैं। तो गाइस हमने यहाँ पर इडली को निकाल लिया और हमारी इडली है ना काफ़ी बढ़िया बनी है। देखो मैं तोड़ के दिखाता हूँ आपको, ये देख रहे हो गाइस कितनी सॉफ्ट है एकदम। और यहाँ पर जो सांभर है हमारी, गोपाल यहाँ पर मस्त तरीके से खा रहा है। चलो मैं भी खाता हूँ और गाइस आप भी खा लो। चलो खा के बताता हूँ आपको कैसा स्वाद है इसका। एमवी स्वाद बहुत ही बढ़िया स्वाद है। सत्यम आ गया है स्कूल से लंच के टाइम पे और यहाँ पर खाएगा खाना, मटर पनीर की सब्जी है साथ में रोटी है। सुबह कुछ खाए गए थे तुम? कुछ खाए गए थे? और सोम भी आ गया। जब सत्यम जो है मस्त तरीके से स्कूल जाता है, कोई टेंशन नहीं है उसे, आराम से टाइम से पहले निकल जाता है और चावल खाएगा। ओए देख सकते हैं सत्यम ने जो बंदूक निकाल ली और बंदूक चला रहा है। देख लो भाई बंदूक, सत्यम किस पे चला रहे बंदूक? पंखे पे ऊपर? दोबारा करके दिखाना कैसे करके दिखाते हैं, एक्शन करके दिखाओ। मैं बोलूँ 1 2 3 एक्शन, चलो स्टार्ट करो घोड़ा दबा के। और गाइस जो सत्यम है यहाँ पर जो है कमर ओढ़ के पर रहा है बेड पे। देखो ये लेवाने के लिए आया रिंकू स्कूल जाने के लिए, क्योंकि लंच के टाइम ही स्कूल से आया था, अब नहीं जा रहा है। और ये देख सकते हैं छोटा वाला बाबू सुबह मस्त तरीके से, अब इसके जो है टीका लगवाने जा रहे हैं हम। हाँ टीका लगेगा, गोपाल भी तैयार हो गया टीका लगवाने के लिए। यानी अभी बच्चे तो स्कूल गए और हमारे साथ जा रहा है क्योंकि सुबह को इंजेक्शन लगवाने थे। अच्छा हले हले हले, टीका केंद्र पे आ चुके हैं, आशा के टीका लगेगा मस्त तरीके से। भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा है, तब तक नंबर अभी नहीं आएगा, थोड़ा सा बाद में आएगा। सुबह सुई लगाई बाल, टीका लगा टीका। सत्यम तेरे भी लगवाऊंगा, सत्यम के भी टीका लगवा देते हैं। सुबह तो मस्त तरीके से आराम से टीका लगवा लगवा रहे टीका। क्यों पिफंगी वाह। तो गाइस सोम का नंबर आ चुका है, उसके टीका लगने वाला मस्त तरीके से। यहाँ पर देख सकते हैं सोम मस्त तरीके से हंस रहा है टीका लगाना रुएगा। तो गाइस सोम के इंजेक्शन लग रहा है, 3 इंजेक्शन लगने वाले एक साथ। ठीक देख सकते हैं अम्मा की और नाती की क्या चल रही है मस्ती, और अम्मा के हाथ में पिचकारी। और स्वाद अब झूला झूला करा, तब से गाय ऊपर चढ़ रहा था। और इधर देखो छोटे वाले बाबू क्या कर रहे हैं, लगा रहा सुई, लगा सुई लगा इसके सुई लगा। एकदम बहुत ही बढ़िया एकदम प्यारा मौसम हो रहा है। और सत्यम देखो क्या कर रहा है, देखो देखो डांस कर रहा, देखो देख रही। और उधर देखो मम्मी जी सोम को खिला रही है मस्त तरीके से गली में आराम से। अरे देखो चल के आ रहा सोम मस्त तरीके से, हटे तू अलग अलग हट अलग। अम्मा सोम को मस्त तरीके से खिला रही है आराम से, आ जा आ जा आ जा आ जा। और उधर देखो देख सकते हैं सत्यम जो है पोल के ऊपर चढ़ रहा है, वही से खेलने का बहुत ही ज़्यादा शौक है यार। और गिर गया गिर गया गिर गया गिर गया। तो देखो सत्यम के पोल से ऊपर गिर गया और फोम उसके ऊपर लेकर निकल गया। मैं आ चुका हूँ छत के ऊपर और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से आसमान के अंदर बादल छाए हुए हैं मस्त तरीके से। गाइस 2-3 दिन से ऐसा लग रहा है कंटिन्यू लगातार बारिश हो रही है। अब मैं अभी नहा के तुरंत ही रेडी होकर छत पर आ जाऊँगा गाइस, क्योंकि गाइस लाइट का बहुत ही ज़्यादा इश्यू हो रहा है। और ये आप लोग टैंक देख रहे हैं, ये टैंक खाली हो जाता पूरा, जब टैंक खाली होगा तो दोस्तों हम नहा नहीं पाएंगे ना कुछ हो पाएगा। आप पहले अभी आइए, जस्ट नहा के अभी आया हूँ मैं। तो गाइस छोटे वाले बाबू आ चुके हैं खेलने के लिए मस्त तरीके से, और अभी अभी देखो इस पर चढ़ेगा ऊपर, ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा। तो गाइस आ चुके हैं यहाँ पर गर्मा गर्म चावल और साथ में दही, तो खाते हैं क्योंकि अभी जो मम्मी है ना पहले बस फोम रहने दे, फोम को अच्छा लगता है। देखो अब इस पे ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, फिर मस्त तरीके से खेलेगा। थोड़ी देर में गाइस सत्यम भी आ जाएगा, फिर देखो यहाँ पर क्या मस्ती होगी। देखो चढ़ गया ऊपर, अब आराम से बैठेगा इसके ऊपर। पहले टीन पे चढ़ता था, अब इस पे सही है आराम से। ताली बजाता है राधे राधे, तो सुबह राधे राधे करता है राधे राधे राधे। नहीं ये तो सही है, हाँ अपने आप फेंको। देखो राधे राधे, देखो बच्चे का बच्चे में भगवान का रूप होता है, मन में सिखाया तो है नहीं किसी ने, गाय अपने आप ही सीख गया। जब इसका मन करता तभी कहता है कह रहा राधे राधे। सत्यम आ चुका है काफी खेलने के बाद, बहुत खेला अभी, कम से कम 1 से 1.5 घंटा खेलने के बाद अभी घर पे आया है। तो वो पसीना कितने आ रहा है, अब क्या करोगे, नहाओगे क्या करोगे, कुछ खाओगे, थप्पड़ है थप्पड़ मारा तुमने मुझे। तो गाय देख सकते हैं सोम काफी देर से रो रहा है, जले या मिले या बहुत रो रहा है, इसमें अभी मम्मी की याद आ रही है। तो गाय देख लो मोबाइल के आगे, सत्यम नीचे नहीं देख रहा है, बिल्कुल जीना उतरते टाइम इसको मोबाइल हाथ में मिल जाए तो इसको ये नहीं पता। अभी सीन एक हो चुका है हमारे गांव में, पुलिस आ गई है किसी को पकड़ने के लिए। यहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ की संख्या बहुत ही ज्यादा, पता नहीं क्या होगा, कोई केस वगैरह होगा। देख सकते हैं सोम और सत्यम
फूट जा गई। तो गाय देखो कोकली में डाल के नमक डाल के रोटी डाल के पेस्ट बनना है और मुझे डर लग रहा है कहीं फोक में उड़ी ना फूट दे। तो गाय अब खाते हैं खाना, रात के बज चुके हैं 9 और खाने में है तोरे की सब्जी, साथ में है रोटी और खाते हैं इडली वगैरह। भाई नमक डाल क्या कर रहा है गाय? देखो नमक डाल के इसमें क्या बना रहा है, क्या बना रहा है इसमें? ये खाएगा भाई। यहाँ पर खाना फिनिश तो हो चुका है, अब खाते हैं गाइस दूध और जलेबी। हमारा सोहम भी यहाँ पर जलेबी खा रहा है मस्त तरीके पे। ये रही हमारी जलेबी, गोपाल अभी बाजार से लेकर गया है और ये रहा दूध। सत्यम दूध जलेबी खाओगे?